तो आप ये सब इंग्रेडिएंट्स देखकर समझ ही गए होंगे कि ठंडाई बनने जा रही है। तो इंस्टेंट ठंडाई का पाउडर कैसे बनाते हैं वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि होली पास आ रही है तो आप ये पाउडर बनाकर रख सकते हैं। देखिए, मैंने ये हाफ कप बादाम लिया है, हाफ कप काजू है, हाफ कप पिस्ता है, यानी ये तीनों ड्राई फ्रूट्स आप बराबर ले सकते हैं, जितने भी मात्रा में आप लेना चाहें। 12 से 13 इलायची हैं, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 2 टेबलस्पून सौंफ है, 1/4 मगज है, और ये 2 टेबलस्पून हमारा खसखस है, और हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने गुलाब की पत्तियाँ ली हैं। चीनी या मिश्री जो भी हम डालेंगे आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये रोस्ट कर लेते हैं, बहुत ही धीमी गैस पे हम इन चीज़ों को रोस्ट करेंगे, बहुत धीमी पे, यानी हल्का सा, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए, क्योंकि वैसे जो हम बनाते हैं ना वो सोक करके बनाते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी, एक तो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी अपने चैनल पे, जो महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, चाशनी के साथ बनाते हैं। लेकिन एक ये ना ड्राई मिक्स पाउडर आप बना के रख सकते हैं, और जैसे ही कोई आए आप ये बनाकर दे सकते हैं। हल्का रोस्ट होना शुरू हो गया है, इसी में हम ये मेलन सीड्स डाल देंगे और इसको चलाएंगे हल्का हल्का। इसी में हमने पॉपी सीड्स डाल दिया है, इसी में हम ये ब्लैक पेपर कॉर्न, काली मिर्च, इलायची डाल देंगे, और इसी के अंदर हम डालेंगे ये सौंफ, और इनको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, और लास्ट में डालेंगे हम ये गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है। और ये देखिए, अब हाथ ही लगा सकते हैं हम, तो ये बहुत अच्छे से, यानी जलने ना पाए। देखिए, अगर आपने इसको जरा भी ज़्यादा गैस पे किया ना, तो सारे टेस्ट में फर्क आ जाएगा। तो बिल्कुल धीमा, बहुत लगातार चलाते हुए, कहीं और नहीं जाना है आपको, तो आप गैस के पास ही खड़े होके अच्छे से इसको चलाते रहिए। गैस हमारी बंद है, अब हम इसको ठंडा होने की इंतज़ार करते हैं। अभी हल्का गर्म है, तो हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसमें हम डाल रहे हैं कुछ केसर के धागे, इससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा आपकी ठंडाई का। तो मैंने ये 10 to 11 केसर के धागे डाल दिए हैं, और इसको ठंडा होने की इंतज़ार करते हैं। अब देखिए, ठंडा होने के बाद मैंने थोड़ा मिश्रण डाल लिया है, और आधा कप मैंने चीनी ली है, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा डाल के, मतलब 2 बार में पीसेगा तो आधा एक बार में, एक आधा दूसरी बार में। चीनी डालने से ना ये महीन पाउडर हो जाएगा, तो इसको ग्राइंड करते हैं। और ये देखिए, इस तरह से ये पाउडर ना बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम सारा पाउडर पीस लेते हैं, और हाँ, यहाँ मैं आपको बताऊँ, आपको रुक रुक कर पीसना है, पल्स मोड पर, ताकि वो स्टिकी ना हो, ऑयल बाहर ना निकले ड्राई फ्रूट्स का। और ये देखिए, हमारा ये ठंडाई प्रीमिक्स तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया बना है। देखिए, बिल्कुल दानेदार है, मतलब अच्छा पिस गया है। और ये मैंने मिक्सी में बाद में थोड़ा सा दूध डाल के एक शॉट बनाया है ठंडाई का, जिसको गुलाब की पत्ती से और एक पिस्ता से गार्निश किया है। आप इसको जब भी दूध बॉईल करें, फुल क्रीम मिल्क लें, और उसमें स्वाद के अनुसार ये मिश्रण मिलाएं, बॉईल करके ठंडा होने के लिए रख दें, आइस डाल के सर्व करें। तो ये होली के लिए प्रीमिक्स बहुत बहुत बढ़िया है, आपका काम भी बच जाएगा, और फटाफट आप एक यम्मी सी ड्रिंक सबको पेश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।